तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे कोई नई वीडियो में। और आज किस वीडियो में आपको लेकर आ गया हूँ दिल्ली के बेस्ट शॉपिंग मॉल्स में से एक पैसिफिक मॉल सुभाष नगर। और इस वीडियो में मैं आपको यहाँ की सारी टाइमिंग्स, लोकेशन, यहाँ तक कैसे आप आ सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको इस जगह के फुल टूर के साथ शेयर करूँगा। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। तो सबसे पहले तो इस मॉल की लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो इस मॉल की लोकेशन है नजफगढ़ रोड, टैगोर गार्डन, तिलक नगर, दिल्ली में। और यहाँ आने का सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा सुभाष नगर का, वहाँ से आप यहाँ तक पैदल आ सकते हैं। बहुत पास में ही है सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन यहाँ से। इस मॉल के टाइमिंग्स की बात की जाए तो वो होगी दोपहर के 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, और ये मॉल हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। तो यहाँ पैसिफिक मॉल के बेसमेंट और ये ग्राउंड फ्लोर के पास आपको पार्किंग मिल जाएगी, और यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है पार्किंग के, फ्री पार्किंग है यहाँ के। टू व्हीलर और फोर व्हीलर की पार्किंग बिल्कुल फ्री है। ऐसे कई सेल्फी पॉइंट्स आपको मॉल के पास मिल जाएंगे, एक ये सेल्फी पॉइंट है। और मॉल की एंट्री कई अलग जगहों से होती है, कई अलग गेट से होती है। तो पैसिफिक मॉल यहाँ सामने है, और पैसिफिक मॉल के इस तरफ आपको एक पिक्सी लैंड दिखेगा। यहाँ पे छोटे बच्चे राइड ले सकते हैं, कई टाइप की 10 से भी ज़्यादा राइड्स हैं, आई थिंक 20 राइड्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन कौन सी राइड्स और कितने में ये राइड्स आप कर सकते हैं छोटे बच्चे, उसके प्राइजेस वगैरह मैं बता देता हूँ। ये साथ में ही टिकट काउंटर है यहाँ पे। तो ये पिक्सी लैंड का कॉम्बो यहाँ लिखा हुआ है 500 रुपये एनी फोर फ्रॉम 1 to 15 राइड। तो यहाँ से 1 से 15 में आप 500 रुपये में कोई भी राइड ले सकते हैं। कोलंबस राइड्स है, एरोप्लेन राइड है, सबकी एक एक एज लिमिट होती है। और इसके अलावा राइड्स जो कॉम्बो के अंदर इंक्लूड नहीं है वो ये हैं, बिग बाउंसी, एलईडी बाइक्स, एलईडी कार्स, बंजी जंपिंग, इसके प्राइस लिखे हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप ये वाला कॉम्बो भी ले सकते हैं 1000 रुपीज़ का, और थर्ड कॉम्बो ये भी है 2000 रुपीज़ का। बड़े बड़े लोग भी कुछ राइड ले सकते हैं, जैसे एक यहाँ पे रोलर कोस्टर है, मिनिमम एज 8 ईयर्स होनी चाहिए, गोल गोल घूमती है राइड। ऐसा वैसा रोलर कोस्टर नहीं है, नीचे से भी जाएगा ये, इस तरफ से नीचे से। और ऐसे बहुत ज़्यादा राइड्स हैं यहाँ पे, एक है छोटा वाला, एक वो बड़ा वाला और ऊंचा। ये एरोप्लेन राइड है, ऐसे गोल गोल घूमेंगे और ऊपर नीचे करता है एरोप्लेन। एक ही हैप्पी रेसर राइड भी है, देखिए ऐसे गोल गोल घूमती है राइड। और इसके साथ ये जंपिंग फ्रॉग की राइड है, ये काफ़ी ऊपर तक चली जाती है फिर तेज़ी से नीचे आएगी। मज़ा आता है राइड में, ऐसा लगता है कुछ है नहीं लेकिन मज़ेदार राइड है वाली। इसके अलावा जैसे मिक्की माउस बलून जंप टाइप नहीं होता, तो ऐसे यहाँ पे एक ये भी है, और एक उस तरफ भी एक शार्क का एरिया बनाया हुआ है बलून जंप टाइप, जिसमें छोटे बच्चे खेल कूद सकते हैं। इधर से जाएंगे फिर इस तरह से नीचे आएंगे। और इसके साथ यहाँ पे मैरी गो राउंड राइड है, फिर एक पीछे है, ये भी ऊपर जाएगा फिर गोल गोल घूमता हुआ नीचे आएगा, फिर ऊपर नीचे करता रहेगा। फिर ये वाली कोलंबस राइड है, ये ऐसे 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 चलती है वाली राइड। ये इसके साथ में ये बंजी जंपिंग राइड, इसमें क्या होगा कि इसमें आपको बांध दिया जाएगा और फिर ये ऊपर नीचे होती है, मज़ा आता है इसमें काफ़ी भी। इसके अलावा यहाँ पे कई और भी राइड्स हैं, जैसे ये वाली राइड में क्या होगा कि ऐसे ऊपर ऊपर तक चली जाएगी राइड, जब गोल गोल घूमेगी तो ऊपर चली जाएगी। इसके साथ यहाँ पे बिग बाउंसी राइड है, इसमें भी छोटे बच्चे खेल कूद सकते हैं, देखिए इधर भी खेलने कूदने का काफ़ी बड़ा एरिया, बिग बाउंसी नाम है इसका। और ये वाली राइड है फ्लाइंग चेयर, एक तरह की बाइक से बनाई हुई है, इसमें बैठ जाइए और फिर ये राइड ना ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूमेगी। तो जितनी भी राइड्स हैं यहाँ पे बच्चों के लिए, सारी मज़ेदार राइड्स हैं यहाँ पे। इधर इस साइड पे एक ये वाला सेल्फी पॉइंट भी है, पिक्सी लैंड के बिल्कुल साथ में ही है ये। ये सारी कार राइड भी ले सकते हैं बच्चे। ये देखिए ट्रेन चल पड़ी है, अंदर मेन फूड कोर्ट है, इधर भी किसी से खा सकते हैं लेकिन। तो देखिए इधर आप किसी से खा सकते हैं
और इनके सारे रेट्स वगैरह लिखे हुए हैं। आइसक्रीम, बर्गर, कोल्ड बेवरेजेस, सैंडविच, स्वीट कॉर्न वगैरह खा सकते हैं आप। तो ये मॉल का मेन एंट्री गेट है, चलिए अंदर चलते हैं। मॉल के साइड पे आपको हनी एंडो बेकरी कॉफ़ी हाउस दिखे और कई चीज़ें हैं जो फूड कोर्ट पे आप खा सकते हैं फूड। ये है योर स्टोर प्लेग्राउंड, तो इसके अंदर स्केटिंग क्लासेस ले सकते हैं, मल्टी स्पोर्ट प्लेग्राउंड है एक। तो यहाँ पे डेकैथलन स्पोर्ट्स स्टोर भी है, नीचे जाके आप कई चीज़ें खरीद सकते हैं, बेसमेंट में है ये। और देखिए यहाँ पे डिस्प्ले में समर कलेक्शन है। फिलहाल अंदर चलते हैं। मॉल अंदर आते ही नायका का स्टोर है, नायका लक्स, फिर यहाँ आगे स्टारबक्स है। स्टारबक्स दिल्ली के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक है, पैसिफिक मॉल। और अभी इंडिपेंडेंस डे का टाइम है, इसलिए यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे डिस्प्ले करने के लिए यहाँ लिखा है वसुदेव कुटुंबकम। अभी के टाइम का डिस्प्ले है, जैसे दिवाली आएगी तो अलग डिस्प्ले होगा, और होली आएगी तो अलग होगा, न्यू ईयर आएगा तो अलग होगा। बहुत बड़ा मॉल है ये। पूरा ऊपर तक दिखाएंगे आप, फुल टूर देंगे इस वीडियो में। तो भी मतलब सेकंड फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे यहीं पे सारे फूड कोर्ट है, टाइम जोन है, हेमलेस है, कैफेटेरियन को है, कुछ खाने पीने मस्ती का यहीं पे मिलेगा। ये सामने हेमलेस है, और एक्चुअली थर्ड फ्लोर पे फंकी आइलैंड है, टाइम जोन है, और थोड़ी रेस्टोरेंट ऊपर भी हैं थर्ड फ्लोर। तो ये एक बिल्कुल खुफिया सी जगह है, जैसे आप इस मॉल के अंदर आएंगे एकदम कोने पे आपको दिखेगा लॉक एंड लोड पेंटबॉल, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर के ऊपर जाके आपको दिखेगा यहाँ ऊपर जाके। और इधर आप पेंटबॉल का मज़ा ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। इसके साथ में आप मदर केयर प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, और हैमलीज है, कैफेटेरिया एंड कंपनी है, हैमलीज के टॉयज़ वगैरह खरीद सकते हैं। इधर से थर्ड फ्लोर के ऊपर जाके देखिएगा हैमलेस, ये आ गया हैमलेस। और यहाँ पे ना एक मिरर मेज़ भी है, टॉयज़ तो खरीद ही सकते हैं, एक मिरर मेज़ भी है, उसके अलग चार्जेस होते हैं मिरर मेज़ के। ये देखिए इस तरफ है मिरर मेज़, और यहाँ सामने से एंट्री है। ये दिल्ली का सबसे बड़ा मिरर मेज़ है, 100 रुपये में आप अंदर जा सकते हैं, और एक बार में 5 लोग अंदर जा सकते हैं। अंदर जाके ना मतलब आपको रास्ता ढूंढना होगा बाहर निकलने का, इधर से एंट्री करके इस तरफ से एग्ज़िट है करना होगा आपको, और ये चीज़ें खरीद सकते हैं आप यहाँ पे फैमिलीज में। छोटे बच्चों का सामान यहाँ पे मिलता है। हाँ भाई खरीदना क्या है ये तुम्हें, खरीदना है। ये कैफ़े दिल्ली हाइट्स है, सारा अंदर तक कैफ़े दिल्ली हाइट्स है। आप फिर यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस है, अभी फ़िलहाल आपको फंकी आइलैंड दिखाने लेकर चलते हैं। फिर यहाँ पे टाइम जोन का भी बहुत बड़ा गेम जोन है, मामा गोटो फन एशियन ईटिंग, फिर आगे होम सेंटर, हाउस अरेबिया। देखिए कितना बड़ा मॉल है, नीचे स्पार हाइपर मार्केट भी है, नीचे भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं फंकी आइलैंड, और इधर आई थिंक 50 से ज़्यादा गेम्स हैं जो खेल सकते हैं। सबसे पहले ये वेंडिंग मशीन हैं, कोई भी गेम खेलने से पहले ना आपको कार्ड लेना पड़ेगा यहाँ पर। ऐसी राइड्स भी हैं यहाँ पर, और एक ट्रेन भी है जो ऊपर की तरफ चलती हैं, ये वर्चुअल रियलिटी गेम है। देखो उसके साथ यहाँ पे रेनबो गेम, उसके साथ ये बम्पर कार्स भी हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, बजना होगा और बचना होगा। ये देखिए चल पड़ी बम्पर कार, ये हमारा, और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो आप जो भी गेम्स वगैरह ना हैं उनसे प्राइजेस जीत सकते हैं, लेकिन गेम खेलने से पहले आपको कार्ड लेना पड़ेगा। 1000 रुपीज़ का कार्ड सबसे कम आप ले सकते हैं, उसमें गेम खेलने के आपको 1000 रुपीज़ मिलेंगे। फिर आप 1500 रुपये का कार्ड लेंगे तो गेम खेलने के 2000 रुपये मिलेंगे, 2000 रुपये का कार्ड लेंगे तो गेम खेलने के लिए 3000 मिलेंगे, और 5000 का कार्ड लेंगे गेम खेलने के 8000 रुपये आपको मिलेंगे।
मतलब जो गेम्स वगैरह उनमें से टिकट वगैरह निकलती है और उनसे आप ये प्राइजेस वगैरह जीत सकते हैं। बच्चों का पीछे एक प्ले जोन भी है। ये टिकट वाली गेम है। सबके अलग अलग प्राइजेस हैं लेकिन कार्ड पहले आपको लेना पड़ेगा। ये बॉलिंग करने का एरिया अलग, अलावा यहाँ पीछे नाइट एंटर गेम है। फिर यहाँ पे आप ये मोटर बाइक और कार रेसिंग मिली गेम खेल सकते हैं। इस तरफ एक डार्क सिनेमा नाम से है, डार्क राइड नाम से है। तो ये एक वर्चुअल रियलिटी राइड है जिसमें ना आप ऐसा लगेगा आपको जैसे मतलब किसी रोलर कोस्टर के अंदर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये देखिए इसमें आप बैठ जाएंगे और वर्चुअल रियलिटी मतलब हेडसेट नहीं सॉरी, इसमें 3D ग्लास आपको पहनाया जाएगा। फिर अलग अलग टाइप के मतलब आपको राइड दिखाएंगे अलग अलग इन्वायरमेंट में और मज़ा बहुत आता है इसमें। एक बाकी ये ट्रेन सी भी बनाई हुई है, इतनी लंबी ट्रेन है, ये गोल गोल घूमेगी यहाँ पे ऐसे ऐसे करके पूरा फंकी आइलैंड के ऊपर घूमेगी ये सारी के सारे। इधर बाकी ये बास्केटबॉल के गेम ना देखते, मतलब पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं इसमें, टिकट भी निकलती है ना शायद, टिकट भी निकलती है इसमें। और इधर से मतलब आप अपने कार्ड में डाल सकते हैं इतनी भी टिकट्स वगैरह। इसके साथ यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा मतलब वर्चुअल रियलिटी पोस्टर है, 9D वर्चुअल राइड है, 9D वर्चुअल राइड ये आपको पहनाया जाएगा और फिर आप राइड करेंगे, मज़ा आएगा इसमें भी काफ़ी। एक इधर भी एक राइड है क्रेजी रेसिंग और इसमें ना बैठ जाइए इधर इधर ऐसे ऐसे करके ये राइड आप ले सकते हैं। मतलब इसमें ना 180 degree ऐसा एक्सपीरियंस बनाया हुआ। इसके प्राइजेज हैं 200 रुपये। अब ये फंकी आइलैंड के साथ है, इस तरफ टाइम जोन, इसके लिए भी आपको कार्ड लेना पड़ेगा, अलग कार्ड होता है इसका। ये देखिए ये रोलर कोस्टर चलने वाला, देख उनको ये दिख रहा है जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इधर और भी बड़े बड़े टेडी है जो जीत सकते हैं आप। आई थिंक और भी बड़ी राइड है डार्क मार्स राइड जिसमें आपको वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस कराया जाएगा, वही ये डाल के अपने सिर पे आँखों पे। ये टिकट्स के लिए बनाया गया इतना बड़ा बड़ा, मतलब इससे भी टिकट्स जीत सकते हैं आप। इधर भी बॉल मैडनेस वाली गेम है, इधर और भी बढ़िया है, मैंने कहा टाइम जोन और बढ़िया है। उसके साथ यहाँ पे आप बर्थडे पार्टी वगैरह भी कर सकते हैं, इसके लिए पहले आपको रिजर्वेशन वगैरह करानी पड़ेगी। ये मतलब गेम ऐसे चलते नहीं, मैं कार्ड वगैरह थोड़ा स्वाइप करना पड़ता है। और इधर इस तरफ है हॉकी 2000, वही एयर हॉकी खेल सकते हैं अभी आप। फिर यहाँ पे वो हथौड़े वाली गेम होती है, ऐसे करके मारना होगा और फिर आपको पावर वगैरह दिखाएंगे यहाँ पे, इसमें भी टिकट्स वगैरह निकलती है। ये सारी छोटे बच्चों की राइड्स हैं, आप सारी छोटे बच्चों की राइड्स। तो टाइम जोन में कोई भी गेम खेलने से पहले ना आपको इधर भी कार्ड लेना पड़ेगा, जैसे उधर 1000 रुपये कार्ड, इधर 1100 रुपये का कार्ड आपको पहले लेना पड़ेगा। अपने गेम खेलने के लिए आपको 1100 रुपये मिलेंगे, मतलब सबसे कम 1100 रुपये का कार्ड आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप 1500 रुपये का कार्ड ले सकते हैं, इसमें गेम खेलने के आपको 1650 रुपये मिलेंगे। फिर 2000 रुपये का कार्ड ले सकते हैं गेम खेलने में, इसमें आपको 2350 रुपये मिलेंगे। फिर 3000 रुपये का कार्ड ले सकते हैं, 3500 रुपये प्लस 5 फ्री गेम मिलेंगे।
और इसके अलावा अगर आप अलग से रीलोड कराते हैं तो उसके लिखे हुए हैं 600 रुपये के साथ आपको 510 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा आप पार्टी वगैरह भी कर सकते हैं। ये सारी पानी वाली गेम्स हैं, डायनासोर वर्ल्ड शूटिंग टाइप की गेम्स सारी। और यहाँ पे ये कार रेसिंग की गेम है, कार रेसिंग की गेम है सारी की सारी। उधर बाइक रेसिंग की गेम है, ये घोड़े वाली राइड भी है जो ले सकते हैं, आगे पीछे करके घोड़ा चलेगा। इसके अलावा थर्ड फ्लोर पे यहाँ पे मार्केट 99 है और टॉयज़ के लिए यहाँ पे इम्प्रेशन टॉयज़ है। और फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। आगे यहाँ पे है क्राफ्ट स्टूडियो इंडिया, यहाँ पे होम सेंटर मतलब जैसे फर्नीचर होम डेकोर में काम आने वाली चीज़ों का आप यहाँ पे आकर देख के फिर ख़रीद सकते हैं। शुगर एंड स्पाइस तो इधर भी है, फ्रोजन फन फ्री आइसक्रीम वगैरह खा सकते हैं। फिर आगे यहाँ पे टाको बेल है, इसके अलावा बहुत बड़ा फूड कोर्ट है, चिलीज़ डोमिनोज़। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, वो देखिए सामने चिलीज़ डोमिनोज़ बेल्जियन फ्राइज़ मोती महल डिलक्स बारकोस हल्दीराम्स कवेंटर्स पीवीआर ऊपर है वहाँ सामने। मैंने कहा सेकेंड और थर्ड फ्लोर पे असली मज़ा है यहाँ पर इस मॉल में घूमने का। गीतांजलि सलून है, कोला सिजलर्स भी हैं, कोला सिजलर्स। और जो लाइफस्टाइल है ना, लाइफस्टाइल का स्टोर आपको सेकेंड फ्लोर पे भी मिलेगा, फर्स्ट फ्लोर पे भी मिलेगा और ग्राउंड फ्लोर पे भी मिलेगा। इस तरफ डंकिन डोनट्स भी हैं, बर्गर कॉफ़ी डोनट्स वगैरह खा सकते हैं, KFC है। और फिर आगे बर्गर किंग है, टमी सेक्शन है, स्ट्रीट फूड बाय पंजाब ग्रिल भी है, सबवे भी हैं यहाँ पे, शिकागो पिज़्ज़ा है, यानीस आइसक्रीम खा सकते हैं। और इसके बाहर भी एक जाने का एरिया था शायद, वो पता नहीं बंद कर रखा है इन्होंने। वाव मोमो भी है और बैठने के लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी एरिया यहाँ पे बैठने की। एक थर्ड फ्लोर की एंट्री वहाँ सामने है जाने की, और एक थर्ड फ्लोर की एंट्री आप यहाँ सामने से कर सकते हैं। और इस तरफ थर्ड फ्लोर में आपको PVR दिखेगा, PVR प्रीमियर 4DX, पूरा सामने कैशल्स बारबेक्यू, पूरा सामने कैशल्स बारबेक्यू। AM थर्ड फ्लोर के दूसरी तरफ से ऊपर आ गया, PVR प्रीमियर टिकट्स वगैरह ले सकते हैं और मूवी वगैरह देख सकते हैं। आप यहाँ सामने से टिकट ले सकते हैं, ओपन हीमर और बारबी फिल्म चल रही है सके। द बियर कैफ़े भी हैं और बिरयानी ब्लूज़ भी हैं। देखिए कितना बड़ा यहाँ पे बैठ के खाने पीने का एरिया। वीकेंड्स के दिनों में भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे। अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे आपको यहाँ पे मेलोरा का स्टोर दिखेगा, फिर यूनाइटेड कलर्स ऑफ वेनेटन है, फिर आगे यहाँ पे एडिडास का स्टोर है, रिबॉक का स्टोर है, प्यूमा का स्टोर है। और इधर आइसक्रीम भी खा सकते हैं, US बोलो, अभी सेल चल रहे हैं ना, वो सीज़न ख़त्म हुआ है, इधर सेल चल रही है, buy 2 get 40% ऑफ शू लॉन्चर। लाइफस्टाइल का स्टोर देखिए, फर्स्ट फ्लोर पे भी है और नीचे भी है। फिर आगे यहाँ पे क्रॉक्स, इधर लेवाइस कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं, इधर भी सेल चल रही है अभी। लुइस फिलिपे है, बेनिजन है, अमेरिकन ईगल है, ओनली मोहन लाल सन्स, ब्लैकबेरी, सैमसोनाइट, क्रोमा का आपको दिख जाएगा यहाँ पर के सामने, क्रोमा का स्टोर है बहुत बड़ा यहाँ पर। और टाटा एंटरप्राइज ये आपको फर्स्ट फ्लोर पर दिखेगा, टैटू शॉप भी है यहाँ पर, रेयर रैबिट, लेंस कार्ट, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं, सैमसंग का भी स्टोर है, एसिक्स, न्यू बैलेंस शूज़ वगैरह, हश पपीज़,
सारे स्टोर जहाँ पे खुले हुए हैं, मतलब एक दो स्टोर हैं जो चालू नहीं है। ये सैमसंग का स्टोर है और एक स्केचर्स का भी स्टोर है फर्स्ट फ्लोर पर। अब आपको नीचे ले चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर थोड़ा सही से दिखाया नहीं था आपको, तो अब आपको दिखाते हैं ग्राउंड फ्लोर और फिर उसके बाद आपको बेसमेंट दिखाएंगे। ये प्रीमियम रीसेलर है एप्पल यूनिकॉर्न। देखिए एंट्री गेट के बिल्कुल पास में आपको दिखेगा नाइके का स्टोर, आइकॉनिक एक्सक्लूसिव भी हैं, बाथ हैंड बॉडी वर्क्स भी हैं। कई इंटरनेशनल ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। ये रहा प्रीमियम रीसेलर एप्पल का, एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे सारे। इधर भी सेल चल रही है। अरमानी एक्सचेंज, खासकर तब मॉल्स में ज़्यादातर लोग आते हैं जब कोई फेस्टिवल सीजन होता है, जैसे कि दिवाली, होली। अभी इंडिपेंडेंस डे का टाइम चलना, मतलब कुछ हफ्ते बाद आ जाएगा इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे लकोस्टे का स्टोर है, कैंट का स्टोर है और चार्ल्स एंड कीथ का स्टोर है, फॉसिल का स्टोर है, द बॉडी शॉप है, हनी एंड डो बेकरी, हनी एंड डो बेकरी एंड कॉफ़ी हाउस है जो बाहर से भी आप खरीद सकते हैं। टॉमी हिलफिगर भी है, मांगो का स्टोर है, नामिलियानो इटालिया का स्टोर है, जैक एंड जोन्स का स्टोर है, गोरोमोडा का स्टोर है, ज़ारा का स्टोर है, अब हम नीचे जा रहे हैं स्पार और डिकैथलन दिखाने आपको। इधर नीचे भी मार्केट 99 है और थर्ड फ्लोर पे मार्केट 99 है। वीआईपी लॉन्ज है, मीना बाज़ार भी है, मार्क्स एंड स्पेंसर हैं, चायोस भी हैं, आइकॉनिक किड्स, मस्टर्ड, बाटा का भी स्टोर है। आप और यहाँ पे है टर्किश आइसक्रीम ट्विस्टिंग स्कूप्स। इधर देखते हैं कितने में खा सकते हैं आप आइसक्रीम। पहली बार देखे हैं मैं। अभी बेसमेंट में हम और इसके साथ में आपको पार्किंग मिल जाएगी। मैक्स का स्टोर है यहाँ, स्पार मार्केट है यहाँ, बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी। और मिस्ट्री रूम्स भी हैं यहाँ पे पैसिफिक, मुझे नहीं पता था मिस्ट्री रूम्स भी हैं पैसिफिक मॉल में। बहुत लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं। इस तरफ है मिस्ट्री रूम्स। ये मिस्ट्री रूम्स के अंदर ना आपको मतलब कई मिस्ट्री वगैरह हैं सुलझानी होगी। उसके प्राइस लिखे हैं मिशन फॉर टू प्लेयर्स के 1000 रुपीज़, मिशन फॉर थ्री प्लेयर्स के 900 रुपीज़, मिशन फॉर फोर प्लेयर्स के 800 रुपीज़, मिशन फॉर फाइव प्लेयर के 700 और सिक्स एंड मोर के भी 700 पर पर्सन के चार्जेस हैं। मिस्ट्री रूम्स इंडियाज नंबर वन एक्सकेप एडवेंचर, इधर लिखा हुआ है हाउ टू प्ले, गेट लॉक्ड इन और सर्च फॉर क्लूज एंड सॉल्व द पजल्स टू फाइंड अ वे आउट। और मिल के काम करके फिर आपको बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। बाकी आप डेकैथलन ऊपर से भी आ सकते हैं मेन गेट से और यहाँ नीचे से भी आपको एंट्री मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये मॉल काफ़ी बढ़िया था, मेरे को तो अच्छा लगा काफ़ी यहाँ पे आके। बाकी ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपने नहीं किया तो।